नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमिनेंस कंपनी की श्वेता फूलगोभी के बारे में। दोस्तों, एक किसान भाई का हमारे पास कमेंट आया था कि हमें श्वेता फूलगोभी के बारे में पूरी जानकारी दें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूँ शिव प्रकाश, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं डेली खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो दर्शक हमारे इस वीडियो पर नए हैं वो हमारे इस डेली खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सकें। दोस्तों, आज इसके सभी टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि प्लांट टाइप, मेच्योरिटी, क्वाड कलर, क्वाड टाइप, एवरेज क्वाड वेट और ग्रोविंग टिप्स, प्राइस, प्रोडक्शन के बारे में आज ए टू जेड बताएंगे आपको। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो है, सबसे पहले बात करेंगे प्लांट टाइप के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो पेड़ होता है थोड़ा खुला हुआ होता है, मुलायम पत्ते घेरदार होते हैं जो फूल को ढके रहते हैं। और दोस्तों, मैच्योरिटी की बात करते हैं, यानी कि इसकी जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो है 70 से 75 दिन। दोस्तों, ये पौध रोपने के बाद का टाइम है। और दोस्तों, क्वाड कलर के बारे में बात करते हैं, यानी कि फूल का जो कलर होता है वो मिल्की वाइट होता है, यानी कि दूधिया वाइट होता है। और दोस्तों, क्वाड टाइप के बारे में बात करें तो इसका मतलब जो फूल का बनावट होती है वो गुब्बद आकार की ओवरी हुई होती है। और दोस्तों, एवरेज क्वाड वेट की बात करते हैं, यानी कि इसका जो फूल का एवरेज वजन होता है वो 2 से 2.5 किलो के बीच में होता है। और जमीन की गुणवत्ता के अनुसार ये ज़्यादा कम हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सोयल के बारे में, यानी कि मिट्टी के बारे में। सूखी मध्यम दोमट मिट्टी और रेतीली दोमट मिट्टी, काली, पीली, रेतीली, लाल, बालू, सभी प्रकार की मिट्टियों में ये उत्पादन के लिए ठीक है। और दोस्तों, सोइंग टाइम की बात करें तो यानी कि बोने का जो समय है वो क्षेत्रीय के हिसाब से है, अलग अलग राज्यों में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। वैसे आप इसको सितंबर के महीने में इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। और दोस्तों, ट्रांसप्लांटिंग टाइम है इसका, ट्रांसप्लांटिंग टाइम की बात करें यानी कि पौध रोपने का जो समय है 25 से 30 दिन। और दोस्तों, हम बात करते हैं स्पेसिंग, यानी कि पेड़ को कितनी दूर दूर रोपना है। तो दोस्तों, पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप रखिए 60 सेंटीमीटर और प्लांट से प्लांट की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, ये कंपनी रिकमेंडेड करती है स्पेसिंग के लिए। और दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 40 सेंटीमीटर रखें और प्लांट से प्लांट की दूरी 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर रख सकते हैं, तो आपको उत्पादन के दौरान बड़े बड़े फूल देखने को नहीं मिलेंगे जो मार्केट में सही से नहीं बिक पाते हैं। और दोस्तों, सीड्स रेट्स की बात करें तो 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका सीड्स लगता है। और यदि आप मेरे बताए गए अनुसार स्पेस कम रखते हैं तो आपको 150 ग्राम से 180 ग्राम सीड्स लग सकता है। और दोस्तों, बात करते हैं क्रॉप केयर के बारे में। दोस्तों, जब हम नर्सरी डालते हैं उसके बाद जब जर्मिनेट हो जाती है उसके बाद आपको एक्टारा और रेडो मिल का स्प्रे करवाना है, और कम से कम 2 से 3 बार नर्सरी के दौरान आप एक्टारा प्लस रेडो मिल का स्प्रे अवश्य करवाएं। और दोस्तों, इसके बाद जब आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं तब फंगस प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए स्कोर और प्लस टोनिक ईसाबियोन अवश्य लें ताकि इससे प्लांट ग्रोथ ठीक से हो सके। और दोस्तों, आप इसके साथ ले सकते हैं डेफेनोकोनाजोल 25% ईसी। और दोस्तों, ब्रोमाटेक कंट्रोल के लिए आप प्रोक्लेम का इमामोक्रेटिन बेजोवेट 5% ESG ले सकते हैं, जो कि सेजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट है, मार्केट में प्रोक्लेम नाम से अवेलेबल है। और दोस्तों, फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्स्ट डोज आपको पौध रोपने के 6 से 8 दिन बाद लेना होगा, 50:50:60 NPK किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा। और दोस्तों, इसका दूसरा डोज आपको 20 से 25 दिन बाद पौध रोपने के बाद आपको लेना होगा, इसका 25:50:60 NPK प्रति किलोग्राम एकड़ के हिसाब से लेना होगा। और दोस्तों, थर्ड डोज जो है आपको 20 से 25 दिन बाद पिछले डोज के बाद आपको लेना होगा, 25:00:00 NPK प्रति किलोग्राम एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। दोस्तों, इसका जो प्राइस है 10 ग्राम के पैकिंग में आपको
₹450 के समथिंग मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी खाद बीज की दुकान पर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो लगभग ₹500 के समथिंग इसका प्राइस इंडिया मार्ट और भी कई साइडें हैं उनसे आप खरीद। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों इसका जो उत्पादन है 2 से 2.5 kg पर फूल के हिसाब से आप देखा जाए तो एक एकड़ का उत्पादन आपका 120 से 150 क्विंटल के समथिंग होगा, यानी कि 12 से 15 टन तक आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ सावधानियां भी हमको रखनी चाहिए। दोस्तों नर्सरी उखाड़ते समय एक समान पौधों का चुनाव करें। और दोस्तों पौध रोपने से पहले ज़मीन को गीला कर दें, पौध रोपते समय कतारों में ही लगाएं। और दोस्तों पौध रोपने के बाद ज़रूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करें। और दोस्तों धूप की अवस्था में पौध ना रोपें, सुबह या शाम के टाइम ही पौध रोपें। और दोस्तों पौध रोपने के 20 दिन पश्चात हल्की गुड़ाई करें और यूरिया प्लस DAP खाद मिला करके छिटककर लगाकर पानी लगाएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया सेमिनेंस कंपनी की श्वेता फूलगोभी के बारे में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपको एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए।